जालौन में आज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि अन्य बदमाश पुलिस को चकमा देकर भाग गया। वहीं घायल बदमाश को पुलिस ने नदीगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। साथ ही जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिससे अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी हो सके। यह मुठभेड़ जालौन के रेहड़ थाना क्षेत्र के नावली के जंगल में हुई, जहाँ पुलिस को सूचना मिली कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बाधा पहुंचाने के लिए बदमाश जंगल में योजना बना रहे हैं, जिस पर रेहड़ थाना प्रभारी शैलेन सिंह द्वारा उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिस पर एसपी के निर्देश पर स्वाट टीम प्रभारी प्रवीण यादव सर्वलांस की टीम मौके पर पहुंची और नावली के जंगल में सर्च अभियान शुरू किया, जहां पुलिस के कुछ बदमाश योजना बनाते दिखे, जिस पर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी कर प्रयास किया, लेकिन उसके पहले ही बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से बचते हुए पुलिस ने बदमाश पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। इसी बीच अन्य बदमाश भीड़ का फायदा उठाते हुए मौके से भाग गए, जहां पुलिस ने उनका पीछा किया, साथ ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया। क्या था पूरा मामला, क्या सफलता मिली? थाना एकल क्षेत्र में आज दोपहर लगभग 3-4 के बीच में नावली ग्राम के आसपास एक संदिग्ध सफारी स्टोर गाड़ी दिखाई थी, जिसकी पुलिस ने चेकिंग करने का प्रयास किया तो बदमाशों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा जो गाड़ी में सवार थे, अंधाधुंध फायरिंग पुलिस के ऊपर की गई। इसमें 6-7 लोग पूरे गाड़ी में थे। पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और उसकी पहचान भूपेंद्र उर्फ निक्की के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश ग्वालियर का रहने वाला है। इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये जनपद में, जो आपका जालौन जनपद है, इसमें विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई प्रकार की चोरियाँ, घरों में घुसकर चोरियाँ की हैं। इसके अलावा इसके गैंग में जो और 6-7 लोग हैं, उन पर भी भिंड में और ग्वालियर में लगभग 25 से 30 मुकदमे, ये बता रहे हैं कि चोरी के, हत्या के, लूट डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। हार्डकोर क्रिमिनल का गैंग है 7-8 लोगों का, जिनके पास में एक सफारी गाड़ी है, एक स्कॉर्पियो गाड़ी है। गाड़ी को बदल बदल के विभिन्न जिलों में, विभिन्न थाना क्षेत्रों में, जनपद ललितपुर में, जनपद झांसी में, जनपद जालौन में और मध्य प्रदेश में घरों में घुसकर चोरी की घटनाएँ करते हैं। सर, कितने लोगों का गैंग था और जनपद जालौन में कौन से, किन, कहाँ कहाँ इनका हाथ चोरियों में रहा है? लेकिन 7 लोग अभी हमें ट्रेस हुए हैं, जो घायल है उसने बताया कि 7 लोग अभी हैं, लेकिन किसे ये सामान चोरी का या लूट का, जो भी सामान था, किसे ले जाके बेचते थे, वो भी इनके गैंग का सदस्य होगा। जो गाड़ी इनके पास से बरामद हुई है उसका भी तस्दीक किया जा रहा है कि वो चोरी की है या कैसी है, और इसके अलावा इनके पास से चांदी के आभूषण और जो हथियार ये प्रयुक्त करते हैं, जो कटर यूज़ करते हैं ताला काटने के लिए, तमंचा, कारतूस, सब कुछ पुलिस को बरामद हुआ है। 7 लोगों का इनका गैंग है। सर, घायल बदमाश का क्या आपराधिक इतिहास है? घायल बदमाश पर अभी जो पता चला है, आमसक का और मर्डर का केस ग्वालियर में दर्ज है इसके ऊपर, और बाकी इसके जो 6-7 साथी हैं उन पर 25 से 30 मुकदमे दर्ज हैं। सर, इसकी कोई आइडेंटिफिकेशन भी हुआ है, ये किस दबाव में था पहले या कुछ? ये जो अभी तक थाना और एसओजी की टीम ने जो वहाँ पर पूछताछ की है, उसमें बताया गया है कि ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश पुलिस का सिपाही है, बर्खास्त है, इसे बर्खास्त कर दिया गया था। जो जानकारी मिली है वो तक ये। सर, जालौन पुलिस की तरफ से कोई हानि या कोई किसी तरह की? नहीं, काफी बदमाशों के द्वारा फायर किया गया, लेकिन पुलिस इसमें सुरक्षित है और पुलिस की बहादुरी को देखते हुए इसमें 10,000 का इनाम मेरी तरफ से पुलिस को किया गया है। ठीक।